जो केनेथ वॉल्स ने रियलिज्म बताया तो केनेथ वॉल्स ने जिस रियलिज्म की बात की उससे दो ऑफ शूट निकल कर आते हैं वन इज ऑफेंसिव रियलिज्म एंड द सेकेंड इज डिफेंसिव रियलिज्म वी हैड सीन अर्लियर स्टूडेंट्स दैट स्ट्रक्चरल रियलिज्म और न्यो रियलिज्म is a ऑफ of international relations that says power is the most important factor in international relations in fact realists even call international politics as power politics and uh, as we have seen that uh, realism was uh, given by morgenthau and uh, neo-realism is credited to kenneth Walls. Who gave it in 1979 in his book, Theory of International Politics? Further, structural realism is divided into two factions offensive and defensive realism. We have seen that structural realism holds that uh, the nature of the international structure is defined by its ordering principle. anarchy and एंड बाय distribution डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हमने पहले भी देखा था कि राज्यों की क्षमता कितनी है कैपेबिलिटी कितनी है इस पर उसकी पावर निर्भर करती है पावर का एक्सपेंशन राज्य अपनी क्षमता के माध्यम से ही करते हैं एनार्के जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की है जिसको डिसेंट्रलाइज बताया गया था उसमें हमने देखा था कि देर इज नो फॉर्मल सेंट्रल अथॉरिटी और यहीं पर हम देखते हैं कि दो प्रकार के जो विचार हैं वो दिए गए रियलिज्म में वन इज ऑफेंसिव ऑफेंसिव जैसा नाम से स्पष्ट है कि ये आक्रामक यथार्थवाद विच इज सेंटर्ड अराउंड पावर जो पावर के इर्द गिर्द घूमता है ऑफेंसिव रियलिज्म पावर एंड इंफ्लुएंस और इसके माध्यम से यह सिक्योरिटी को खोजता है तो इट इट सेज ऑफेंसिव रियलिज्म सेज दैट स्टेट सीक पावर एंड इंफ्लुएंस इन ऑर्डर टू अचीव सिक्योरिटी और सिक्योरिटी के साथ साथ वो क्या और खोजते हैं डोमिनेशन एंड हेजिमोनी वे दूसरे देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं अपना एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश करते हैं विश्व में एक छत्र राज्य स्थापित करना एक बड़े राज्य का स्वप्न हो सकता है जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका एक हेजमोन की तरह से उसने काम किया विश्व में एकमात्र शक्ति थी वो यूनिपोलर वर्ल्ड बना हुआ था इट हैड दिस डिजायर टू डोमिनेट द वर्ल्ड और इसीलिए पोस्ट कोल्ड वॉर गल्फ वॉर को हम देखते हैं जिसने अमेरिका को सुपर पावर के रूप में स्थापित किया गल्फ वॉर में अमेरिका ने अपने शस्त्रों का ब्लैटेंट एग्जीबिशन किया और उसका जो टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी थी उसको सैटेलाइट टीवी के आगमन के बाद घरों में बैठकर लोगों ने देखा और उसकी सुप्रीमेसी को स्वीकार कर लिया जिसे भारतीय भाषा में अमेरिका की दादागिरी भी कहा गया तो एक और कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि राज्य शक्ति और इन्फ्लुएंस को पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं और इसके माध्यम से वो डोमिनेशन को स्थापित करना चाहते हैं अपने एकाधिकार को विश्व में स्थापित करना चाहते हैं दूसरी तरफ वी हैव डिफेंसिव रियलिस्ट

जिससे हमारी सिक्योरिटी बनी रहे युद्ध ना हो क्योंकि सामने वाले के पास कितनी ताकत है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट पावर जैसे अभी आपने देखा कि गर्मियों में चीन के द्वारा चीन विच इज एमिंग टू बिकम द वर्ल्ड उसने अपना तरीका यही है कि पावर और इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए बैलेंस ऑफ पावर को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना और शक्ति का प्रदर्शन करने के साथ क्या करना की अपने पड़ोसी देशों के साथ इस प्रकार से कैलकुलेटेड uh, जो uh, कह सकते हैं कि uh, युद्ध करना कैलकुलेटेड तरीके से ये देखते हुए कि उसमें उसे कितना नुकसान और कितना फायदा है अगर कॉस्ट जो है वो जो से बेनिफिट मिल रहा है उससे कम है तो कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सकता है और यही मानते हुए चीन ने शायद ये सोचा था कि भारत इस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा ये अलग बात है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक ये भी कार्डिनल प्रिंसिपल है कि पावर को गौज नहीं किया जा सकता किसी भी देश की उसका सही आकलन नहीं किया जा सकता और इसीलिए जब भारत के द्वारा उसका विरोध किया गया तो शायद चीन भी आश्चर्य में पड़ गया तो जो डिफेंसिव रियलिस्ट है वो इससे अलग है जैसे हम भारत को कह सकते हैं इट मे बी एन एग्जाम्पल ऑफ डिफेंसिव रियलिज्म बिकॉज इंडिया ने कभी भी अग्रेशन को नहीं अपनाया इट इज नॉट एन एक्सपेंशनिस्ट कंट्री सो we see that uh, defensive realism asserts that aggressive expansion as promoted by offensive realists what does it do it upsets the tendency of states to conform to the balance of power theory अगर हम लगातार expansion की बात करेंगे अगर हम power और influence को बढ़ाने की बात करेंगे हम युद्ध की बात करेंगे तो balance of power बिगड़ने का भय होगा जो डिफेंसिव रियलिस्ट नहीं चाहते हैं उनका मानना है कि बैलेंस ऑफ पावर का बना रहना जरूरी है जिससे विश्व में शांति स्थापित रहे सिक्योरिटी बनी रहे राज्य का मुख्य कंसर्न सिक्योरिटी है दिस इज वाई स्टेट सिक्योरिटी डिलेमा कि वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रखे सामने वाले के मुकाबले में सिक्योरिटी को डेलेमा इसलिए कहते हैं कि एक देश के द्वारा जो हथियार अपनी सुरक्षा के लिए लिए जाते हैं वो दूसरे देश के लिए आक्रमण का जरिया होते हैं भारत ने अगर कोई जहाज खरीदा या भारत ने अगर कोई मिसाइल बनाई तो ये उसने अपनी सुरक्षा के लिए किया लेकिन पाकिस्तान के लिए शायद ये सुरक्षा का नहीं बल्कि अग्रेशन का जरिया दिखाई देता होगा तो इसलिए सिक्योरिटी इज अ कॉम्प्लेक्स वर्ड एक शस्त्र एक के लिए सुरक्षा का जरिया है तो दूसरे के लिए वो आक्रमण का जरिया है इसीलिए डिसमेंट फेल कर जाता है बिकॉज कंट्रीज आर वेरी एप्रिहेंसिव ऑफ इच अदर एक डंडा जिसको हम अपनी सिक्योरिटी के लिए लेकर चलते हैं वो सामने वाले को एक ऐसा हथियार के रूप में दिखाई देगा जिससे उस पर हमला किया जा सकता है तो स्टेट्स सिक्योरिटी के लिए अस्पायर करते हैं दे वॉन्ट टू बी सिक्योर ये डिफेंसिव रियलिस्ट का मानना है कि राज्य इसके लिए कार्य करते हैं दे एस्पायर दे ट्राई टू मेक देमसेल्व सिक्योर so uh, we were saying that defensive realism asserts that aggressive expansion as promoted by offensive realists upsets the tendency of states to conform to balance of power theory thereby decreasing the primary objective of the state which is ensuring its security. the balance of power neihoga, the security ensured nahi hogi. So, while defensive realism does not deny the reality of interstate conflict, because interstate conflict is a reality, we cannot deny that states are usually in a state of conflict. But defensive realists say that this state is not perpetual, it isn't that states are always in conflict. Instead, they believe

सिक्योरिटी की वजह से हो सकते हैं या कुछ आइडियाज की वजह से हो सकते हैं जो आगे जाकर हम लोग एक इसके बारे में एक और थ्योरी देखते हैं विच इज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म वेयर इट इज सेड दैट जो uh, नेतृत्व होता है उसके द्वारा कुछ आइडियाज बना दिए जाते हैं एंड देन पीपल स्टार्ट बिलीविंग ऑन देम लोग उन पर विश्वास करने लगते हैं दिस इज कॉल्ड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म निर्माण कर दिया जाता है विचारों का नेता के द्वारा राज्य के द्वारा कुछ विचार जनता के लिए नेरेटिव आर क्रिएटेड एंड देन पीपुल स्टार्ट बिलीविंग इन देम सो इंटरनेशनल सोसाइटी इज दस क्रिएटेड बाय पीपल ज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जैसे जेंडर एक कंस्ट्रक्ट होता है उसी तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम को भी हमें कंस्ट्रक्ट के रूप में देखते हैं सो डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव रियलिज्म बोथ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन वन वी सी दैट द फोकस इज ऑन पावर शक्ति पर केंद्रित है उनका पूरा उद्देश्य है कि राज्य शक्ति चाहते हैं उसके लिए वो काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ डिफेंसिव रियलिज्म कहता है कि राज्य सुरक्षा चाहते हैं वे अपनी सिक्योरिटी के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं हम ये कह सकते हैं कि जब हम सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं तो हम मिलिट्री पावर को बनाते तो हैं लेकिन हम उसे युद्ध के लिए प्रयोग करने की बात नहीं कहते हैं सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल वी कैन से इन डिफेंसिव रियलिज्म, सॉफ्ट पावर में बी यूज्ड टू फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ अ नेशन नेशनल इंटरेस्ट को फर्दर करने के लिए हम ऐसे मींस का प्रयोग कर सकते हैं विच आर नॉट रिलेटेड टू मिलिट्री मींस तो ये एक संभावना इसमें दिखाई दे सकती है सो so, ऑफेंसिव जो रियलिस्ट हैं जो पावर को मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं जो कहते हैं कि पावर इंफ्लुएंस वेल्थ इसकी वो बात करते हैं जिससे कि कोई देश इस एनार्किक वर्ल्ड में और ज्यादा सिक्योर हो जाए एंड से दैट इट इज द बेस्ट वे फॉर ए स्टेट टू इंक्रीज इट्स ऑर्ड्स ऑफ सर्वाइवल एंड इट इज टू बिकम द मोस्ट पावरफुल स्टेट राज्य की कोशिश होती है कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश बन जाए और इस तरीके से वो अपना सर्वाइवल को सुनिश्चित करता है अपने सिक्योरिटी डिल को हल करने का काम करता है एक हेजीमॉन बनने की उसकी जो कोशिश है फॉर ऑफेंसिव रियलिस्ट एक्सपेंशन एंड टेज एग्रेसिव फॉरिन इकोनॉमिक पोलिटिकल एंड मिलिट्री पॉलिसीज to alter the balance of power they are always aiming to alter the balance of power to tilt it in their favor they try to take advantage of opportunities to gain more power to gain power at the expense of other states and they also strive to weaken potential challenges through preventive wars or delaying tactics to slow their ascent if they प्रैक्टिकल बात है ये कि दूसरे के कॉस्ट पर अपना विकास करने की अपना अपने अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश या दूसरे के असेंट को उसका जो उदय हो रहा है उसको प्रभावित करने की कोशिश हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बात की थी कि बड़ी शक्तियों का उदय उत्थान और पतन ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बहुत प्रभावित करता है जैसा हम लोगों ने देखा था कि यूरोप का अंत हुआ 1945 में और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ उभर कर आए 1990 में फिर एक बड़े देश का पतन हुआ सोवियत संघ का और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना विच वॉज यूनिपोलर वर्ल्ड तो देशों का इमरजेंस उनका उत्थान या उनका पतन इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है प्रभावित करता है अगर हम आगे बात करें तो मियर शैमर जो एक विचारक है ही टेल्स अस ओनली अ मिस गाइडेड स्टेट वुड बिलीव दैट इट हैज एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ पावर हाउ ट्रू इट इज दैट ओनली अस गाइडेड स्टेट वुड से

कि वो रीजनल हेजमोन बनने की कोशिश को नहीं छोड़ेगा भारत भी यही करता है भारत ने तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहा भारतीय उपमहाद्वीप कहा अपने पड़ोसी देशों के साथ हम पर स्थित है उस क्षेत्र को अगर आप थोड़ा और आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि चीन एशिया में अपने आप को एक लंबे समय से उन्नीस से ही एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और उ इट इज डूंग नाउर शहते हैं कि स्टेट डॉट ट्राई टू मैक्स इट्स इंफ्लुएंस एंड सेलेक्ट्स टू फोर गो एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड अदर पावर्स विल टेक एडवांटेज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी एंड दे विल कम टू फिल दैट व्हाइट अगर एक देश ऐसा नहीं करता है तो दूसरे देश ऐसा करने के लिए आगे आएंगे और ये भी हो सकता है कि दूसरे रीजन से वहां का जो है जिमोन है वो आगे आ जाए एक लंबे समय तक इंडियन ओशन एक कॉन्फ्लिक्ट का जोन बना रहा और ये भय बना हुआ था कि अमेरिका यहां पर अपना नियंत्रण ना कर ले अमेरिका ने इंडियन कॉन्टिनेंट इंडियन ओशन में स्थित डियागो गार्शिया नामक द्वीप में अपना सैन्य अड्डा बना लिया था और उससे भारत और अन्य देशों को ऐसा लग रहा था कि हिंद महासागर में कहीं ऐसा ना हो कि बाहर की ताकतें अपना जो बैलेंस ऑफ पावर का खेल है या जो शक्ति का जो खेल है उसको खेलने लगे और इसीलिए भारत ने ये प्रयास किया था कि इसको यहां पर बैलेंस किया जा सके बाहरी ताकतें नए श्रीलंका में हमारा इंटरवेंशन भी शायद इसी वजह से था कि बाहरी ताकतों की एंट्री इंडियन सब में ना हो तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अ मेजर पावर डज नॉट स्ट्राइव टू बी एन इक्वल अमंग इट्स ग्रेट पावर पियर्स बट इट वॉन्ट्स टू बी द मोस्ट पावरफुल ये राज्य का उद्देश्य होता है कि वो अपने बराबर के देशों में भी कैसा हो जाए सबसे ज्यादा शक्तिशाली इट मे बिकम द्र उसका राज्य स्थापित हो सके सो द गोल ऑफ स्टेट्स इज टू मैक्सिमाइज पावर्स एंड स्टेट्स विल ऑलवेज कम्पीट विथ ईच अदर फॉर पावर राज्य का उद्देश्य है कि अपनी शक्ति को बढ़ाए और इसके लिए वो दूसरे देशों के साथ संघर्ष करता रहता है लेकिन मियर शायमर के अनुसार राज्यों को जोग्राफी रोकने का काम करती है अपनी शक्ति को बढ़ाने में जैसे वाटर में भी अमीस पावर ऑफ वाटर की वो बात करते हैं अगर समुद्र है तो वो उस राज्य की शक्ति को आगे बढ़ने से रोक सकता है तो तोउट द स्टॉपिंग पावर ऑफ power of water, दैट इट इज it फॉर एनी स्टेट टू अचीव to ग्लोबल global hegemony, क्योंकि अनेक ऐसे बैरियर्स हैं पावर ऑफ water है which कैन स्टॉप वन स्टेट टू बिकम हेजीमोन ज्यादा से ज्यादा क्या राज्य को प्राप्त हो सकता है कि वो एक रीजनल सुपर पावर बन जाए एक रीजनल बड़ी शक्ति बन जाए एक ग्लोबल हेज़िमोन बनने के लिए उसके सामने कई संकट हो सकते हैं इसी प्रकार और भी कुछ विचारकों ने जैसे फ़रीद जिकारिया ने भी अपनी बात कही है फरीद जकारिया इन्होंने भी अपनी थ्योरी दी

रिलेटिव इन in yani अगर डोमेस्टिक जो तुम लोगों ने शायद पढ़ा होगा बी ए थर्ड ईयर में भी कि डोमेस्टिक कम्पलशंस ऑन फॉरिन पॉलिसी जब हम देश के अंदर मजबूत होंगे तभी हम अपनी नेशनल पावर को भी बढ़ा सकते हैं वेन वी हैव स्टेट पावर देन वी कैन हैव नेशनल पावर ऑल्सो एक विचार और है वो है स्टेटस को पावर स्टेटस को यानी यथास्थिति को बनाए रखना जैसी स्थिति है उसमें संतुष्ट रहना और यथास्थिति को बनाए रखना ऑल दो ऐसे जो विचार है इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है और ऐसे स्टेट्स इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत कम है ऐसा रियलिस्ट का मानना है क्योंकि मेजर पावर्स आर रेयरली सेटिस्फाइड जितनी शक्ति है उससे कोई भी देश संतुष्ट नहीं रहता जैसा हमने पहले भी बात की थी कि कोई भी राज्य अगर कहता है कि उसके पास बहुत शक्ति है तो वो राज्य एक बड़ी शक्ति नहीं बन सकता तो नो, पावर, नो मेजर पावर इज एवर सेटिस्फाइड विद इट्स स्टेटस और उसकी कोशिश यही रहती है कि वो लगातार अपनी शक्ति को आगे बढ़ाए क्योंकि उसको नहीं मालूम है कि सामने वाला देश क्या कर रहा है इट इज लाइक अ प्रिजनर्स डेलेमा वहां जहां पर हमारा साथी देश दूसरा देश क्या कर रहा है ये हमें ठीक तरीके से नहीं मालूम होता है तो इसलिए कोई भी देश अपनी स्थिति से कभी संतुष्ट इस प्रकार से नहीं होता कि वो अब उस अपने आप को बढ़ाना बंद कर दे स्टेट्स आर ऑलवेज ट्राइंग टू तो एक्सपैंड दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू तो एग्जिबिट देयर पावर

राष्ट्र निरंतर आ, या तो अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं या अपने आप को सिक्योर बनाने का प्रयास करते रहते हैं और यहीं पर दो विचार बन जाते हैं एक जो कहते हैं कि पावर बढ़ाकर हम सिक्योर हो सकते हैं और दूसरे जो कहते हैं कि सिक्योरिटी के लिए हमको पावर बढ़ाने की नहीं बल्कि हमें बैलेंस ऑफ पावर को बना के रखने की जरूरत है सो so, are you able to understand that yes ma'am yes ma'am ma yes, ma okay so